नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है यदि आपके पास, तो चैप्टर नंबर 3 होगा, और न्यू एनसीईआरटी का बुक होगा तो चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, टोटल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो इसके प्रीवियस क्लासेज लेक्चर नंबर 1 हो रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा चैप्टर नंबर 3 के नाम से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1 अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इसके प्रीवियस क्लासेज में एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले तो ये जाना था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होते क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सेल क्या होते हैं। ठीक है, सेल के कितने प्रकार होते हैं, इन सब में कौन से रिएक्शंस होते हैं, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा सा परिचय देखा था हमने, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए, सेल के जो 2 प्रकार थे उसमें पहला प्रकार क्या था आपका, विद्युत रासायनिक सेल था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसे हम विद्युत अपघटनिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हेडिंग लगाते हैं हम, क्या विद्युत रासायनिक सेल। टाइप ऑफ सेल में सेल किसे कहते हैं, वह पात्र जिसमें आप रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कराते हैं ना, जिस पात्र में, उसे ही सेल कहते हैं। और सेल 2 प्रकार के होते हैं, यानी पहला टाइप हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपस में परिवर्तन के अध्ययन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी में जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या होते हैं, देखिए जब किसी भी पदार्थ का विद्युत आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जिस भी सेल में हम यदि किसी पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ले जाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या करेंगे आप, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए ये चीजें हम लोग ना ब्रीफ में पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लासेज में, ताकि चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो रासायनिक, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा में यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, पहला गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कहते हैं जिसे आप वोल्टेज सेल का, डेनियल सेल ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं डेनियल सेल के बारे में। तीसरा मरकरी सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल भी होता है, शुष्क सेल, या आपका और भी है लेकलांसे सेल। ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपके विद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, शुष्क सेल और लेकलांस सेल, ईंधन सेल भी कहलाता है, ये विद्युत रासायनिक सेल में ही आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमें अभी पढ़ना है पहला टॉपिक गैल्वेनिक सेल, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गैल्वेनिक सेल क्या है, तो एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है
ठीक है, जो विद्युत रासायनिक सेल का ही एग्जाम्पल है, इसी के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो किसी भी एक सेल को हम लोग पकड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बस कर लेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैथोड और एनोड की भी बात आती है, तो उसके पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है जानते हैं, कमेंट्स में बताइए। इलेक्ट्रोड में जो चालक रॉड होता है या प्लेट कह लीजिए, उसे ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। किसी भी सेल में जो चालक रॉड या आप प्लेट कह सकते हैं, चालक रॉड या प्लेट होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड या प्लेट भी कहते हैं, जैसे किसी सॉल्यूशन में हमने दो रॉड मिला दिए, ठीक है, ये दो रॉड, ये कोई सॉल्यूशन है आपका, ये दो रॉड हमने लगा दिया, इसे ही इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इसमें मान लिए H2O सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं NaCl भरा हुआ है, ठीक है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोड लगाएंगे आप, ये इलेक्ट्रोड कहलाता है, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो धातु के बने होते हैं, ठीक है, जिसे ग्रेफाइट का बनाया जाता है, ग्रेफाइट का भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड हुए, जिसमें NaCl, जैसे ही इसका एक्वस सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या होता है, NaCl दो आपके ये डिसोसिएट होकर के Na+ और Cl- माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड क्या होते हैं, है ना, एनोड और कैथोड क्या होते हैं, सिंपल समझेंगे, एनोड को हम कहते हैं निगेटिव और कैथोड को प्लस। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोड जैसे आपने धातु का बना होता है ग्रेफाइट का, मान लीजिए इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए, एनोड जो है माइनस, यानी एनोड की परिभाषा आप क्या ले सकते हैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रॉन दान करना, तो जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे हम एनोड कहेंगे, और जो यहाँ कैथोड को प्लस कहेंगे, यानी यहाँ पर रिडक्शन होगा, जिसे आप अपचयन कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। एनोड यानी ऐसा, एनोड क्या है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन दान होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम एनोड कहेंगे। यहाँ पर एनोड माइनस में होगा। कैथोड क्या है, प्लस है, यानी वह इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा जो सेल के प्रकार है, टाइप ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा में अभिक्रिया संपन्न की जाती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पहला गैल्वेनिक सेल हो गया, दूसरा आपका डेलियन सेल, तीसरा मरकरी सेल, चौथा शुष्क सेल, पांचवा लिग्नान्से सेल और छठवां ईंधन सेल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक बात आती है, इलेक्ट्रोड आपने जानते भी होंगे पिछली कक्षाओं में। इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी भी सेल में जो चालक रॉड या प्लेट होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे हमने एक कोई NaCl का एक सॉल्यूशन लिया, इसमें दो धातु के रॉड प्लेट लगा दिए जो ग्रेफाइट के बने होते हैं, धातु के मेनली, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे NaCl होगा तो इसका डिसोसिएशन होगा, यानी Na+ और Cl- में ये अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर कैथोड और एनोड पहचानने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यानी अपने ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएगा, धनी होगा तभी दान करेगा।
तो वहां पर क्या होगा, एनोड यहाँ माइनस होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन दान करना, यही कंफ्यूजन करते हैं बच्चे सब, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है, प्लस, यानी जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे आप विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।